बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। इसमें डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करेंगे कि इनको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर्स को। डेसिमल नंबर्स हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं। इनकी रेंज बेसिकली 10 होती है। रेंज से मुराद ये होता है कि हम टोटल डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, इसकी जो बेस होती है उसको भी हम रेंज के मानियों में ही लेते हैं। तो इसकी जो बेस होती है वो कभी भी नहीं आती, जैसे डिजिट्स में रिपीट नहीं होती। जैसे डेसिमल नंबर्स हैं तो इनकी बेस 10 है, लेकिन जब हम इनको राइट करेंगे तो हम 9 तक जाके स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसलिए टोटल डिजिट्स जो हैं वो 10 हो जाएंगे। इसमें 10 इट्सेल्फ कभी नहीं आएगा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इनकी बेस 2 होती है। ये जस्ट 0 और 1, इन दो को डील करते हैं। जब इनको प्रेजेंट करना हो तो इस तरह से ब्रैकेट लगा के इसके साथ बेस को इसके नीचे करके यहाँ पर करके इसके बिल्कुल बेस में लिखते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो जस्ट बाइनरी डिजिट में वर्क करती है, जबकि हम लोग नॉर्मली जब डील करते हैं तो हम डेसिमल को डील करते हैं। तो अभी हम सारे नंबर का ओवरव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम इनका कन्वर्जन जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑक्टल नंबर्स हैं। ऑक्टल नंबर्स हमारे पास 0 से 7 तक होते हैं। इनकी रेंज, या अगर हम इनके बेस को डिस्कस करें तो वो 8 होती है। इनको प्रेजेंट करने का मेथड यही होता है कि ब्रैकेट में इसके साथ यहाँ पर नीचे 8 लिख देते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पर ऑक्टल नहीं भी लिखा हुआ, हम जस्ट इस बेस को देख लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर ऑक्टल नंबर की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर। इनकी जो होती है ये 0 से लेकर 9 तक हम इनको जस्ट डेसिमल नंबर की तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद हम 10 की बजाय जब डिजिट रिपीट होना स्टार्ट करते हैं तो हम 10 की को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ए लिखते हैं, देन बी लिखते हैं, देन सी, देन डी, ई एंड एफ। अब ए जो है वो 10 को रिप्लेस कर देगा, बी जो है वो 11 की जगह पे आएगा, सी 13 की जगह पे आएगा, डी 14 की जगह पे आएगा। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नंबर्स का हमने ओवरव्यू कर लिया, अब हम इनके कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी में। कैसे जाते हैं? जब डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हमारे पास डेसिमल की बेस जो है वो 10 है, जबकि टारगेट बेस जिसमें हम जाना चाह रहे हैं वो 2 है। तो हम इसमें डेसिमल से जब हम बाइनरी में जाएंगे तो डिवाइड मेथड यूज़ करेंगे। डिवाइड मेथड में क्या होगा कि सिंपली 31 लिखेंगे और 31 जो है वो उसको इस तरह से 2 से स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करते जाएंगे। जो हमारे पास रिमाइंडर बचता जाएगा उसको हम साइड पे लिखते जाएंगे। जैसे 2 को हम अगर 31 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 15 आता है, जबकि रिमाइंडर में 1 बचता है, तो उसको साइड पे लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह से 15 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया, 1 रिमाइंडर बच गया। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे जब तक एट दी एंड हमारे पास 1 आ जाएगा। ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखने का मेथड जो है वो हमें जहन में रखना है। 1 यहाँ से इस साइड से यूँ ऊपर को मूव करना है। तो यहाँ पर हम इसको केयरफुली देखते हुए हम इसको लिख लेंगे। सारे डिजिट्स को हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे और इसकी बेस 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट जो है वो आपका टास्क है। आप 788 को, जो कि डेसिमल नंबर में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और उसके बाद इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, उसमें उसके साथ अपने आंसर को कंपेरिजन कर लें कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको टास्क में दिया था, मैंने उसको सॉल्व करके उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अपने आंसर को इसके साथ कंपेयर करके चेक कर लें आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट, ये अगेन आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आपने रिवाइज करना है, इनको लिख के देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर इनका आंसर जो है वो आपने बल्कि आपका ये टास्क है, ये आप असाइनमेंट में मुझे अपलोड कर दीजिएगा ये लिखने के बाद। अब सेकेंड कन्वर्जन है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डेसिमल से बाइनरी में जाने का डिस्कस किया था। इसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और क्या वे हम चूज़ करते हैं। अब इसमें हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो इसमें हमारे पास जो बेस गिवन है 2, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम बाइनरी से टारगेट बेस हमारी 10 है, हम उसमें जाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली हम इस मेथड में क्या करते हैं, इन सबको जो डिजिट्स हमें बाइनरी में दिए होते हैं उनको खुला खुला करके लिख लेते हैं। इस तरह से जैसे हमारे पास है 10101, इसको इसी तरह से हमने 10101 करके लिख
उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो बेस है गिवन इसकी वो 2 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और देन 4 लिखेंगे। अब जो हमने 2 की पावर ली है इसको इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आता है हम इसको साइड पे यूँ लिखते जाएंगे, इसको इस तरह से लिखते जाएंगे। एट द एंड सबका फाइनल आंसर निकालने के बाद उनको सिंपली ऐड कर लेंगे, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन के बाद आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मज़ीद कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 21 और इसको प्रेजेंट करके हम बेस के साथ लिखेंगे। अब सेकंड आपका टास्क है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका आंसर जो है आप क्रॉस चेक कर लें कि 116 ही आता है या नहीं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल में अगर हमने जाना हो, डेसिमल से ऑक्टल में जाना तो वही सिंपल सा मेथड है जो हमने बाइनरी से डेसिमल में जाने का अडॉप्ट किया था। इसमें क्या करना है, हमने टारगेट बेस को लेके उसके साथ डिवाइड कर देना। डिवाइड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, टारगेट बेस होती है उसको हम सेलेक्ट करके जो हमारे पास गिवन नंबर होता है इसके साथ डिवाइड करते थे। इसको हम फर्क से इतना है, वहाँ पर हम 2 पे डिवाइड करते थे, यहाँ पर हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज बचती जाएंगी, रिमाइंडर होगा उसको हम साथ पे लिखते जाएंगे। मेथड वही सेम टू सेम है, यहाँ से हमने सबसे एंड से ये इस डिजिट से स्टार्ट करना है अपना आंसर लिखना और इसको इस तरह से लिखते हुए ऊपर की तरफ से लिखना है। लिखने के बाद आप इसके साथ इसकी बेस लिख देंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन कर दी। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन करके इसका आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अगर आपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपने इसमें भी वही सिंपल सा मेथड है डिवाइड मेथड, वही आपने अडॉप्ट करना है। 161 को डिवाइड कर देना है टारगेट बेस के साथ, हमारी टारगेट बेस यहाँ पर 16 है तो हम 161 को 16 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको 16 10 160 होता है, इसमें एक रिमाइंडर बचा तो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा केयरफुली देखने की ज़रूरत है, उसमें यह है कि आप जो है जो हेक्साडेसिमल नंबर है जिस जो आपका टारगेट नंबर है जिसमें आप कन्वर्जन करने जा रहे हैं वहाँ पर आप 10 को 10 नहीं लिखते बल्कि 10 को रिप्लेस करके ए लिखते हैं। तो जब हम इसका आंसर 10 और ये 1 ये दोनों इसके आंसर हैं तो हम 10 की बजाय यहाँ पर लिखेंगे ए और साथ में इसके 1 लिख देंगे सिंपल, और बाहर 16 इसकी बेस इसको प्रेजेंट कर देंगे। बेहतर होगा आप ये याद रखें, ए से मुराद 10 है, बी से मुराद 11 है, सी से मुराद 12 है, डी से मुराद 13 एंड ई से मुराद 14 देन एफ से मुराद 15। या कोई आपके जहन में होगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट आंसर जो है वो सिंपल था, उसमें हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, 1103 ही है तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, साथ में इसकी बेस को लिखना नहीं भूलना। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हमने कन्वर्जन करनी है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो इसमें हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल में, जैसे आपको अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ के इसमें हम 11 12 13 14 15 10 से लेके 15 तक हम इनको लिखने की बजाय हम इनको ए बी सी से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम एफ सी 12 जो हमारे पास वैल्यूज लिखे हैं इनको पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे, खुला खुला करके इनको लिख लेंगे, उसके बाद हम इसकी जो बेस है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 इसकी बेस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 की पावर 0 आएगी, फिर 16 की पावर 1 देन 2 देन 3, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, आपका जो टारगेट है वो डेसिमल है और डेसिमल में ए बी सी तो नहीं होता, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपने पैरेलल में लिया था ए से क्या मुराद है, एफ से क्या मुराद है, सी से क्या मुराद है, उसमें इसकी कन्वर्जन कर लेनी है। जैसे यहाँ पर सी लिखा है, सी को 16 के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सी से मुराद क्या है हमारे पास 12 है और एफ से मुराद हमारे पास 15 है, तो 15 के साथ 16 की जो बेस है सॉरी 16 का क्यूब है इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इक्विवेलेंट नंबर के। इसी तरह से c से इन सबको मल्टीप्लाई करके इनका जो फाइनल आंसर होगा उसको ऐड अप कर लेना है और क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका जो आंसर है वो गिवन आंसर के साथ मैच करता है या नहीं। जो भी आंसर आएगा उसको आप उसके बेस के साथ प्रेजेंट कर देंगे। मैंने अगेन आपकी रिवीजन के लिए ए बी सी डी ई एफ के इक्विवेलेंट जो भी नंबर आते हैं उनको लिख दिया। अब बाइनरी से ऑक्टल में जब जाना हो आपने तो इसमें आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में आपने सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन होता है उसमें 3 3 के पेयर बना लेने हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन नंबर है इसमें 3 का पेयर बनाना आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेने, पहले 3 का पेयर बनेगा देन अगेन 3 का पेयर बनेगा, लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट्स बचेंगे। इसमें 3 का पेयर नहीं बना तो इसमें हम अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड पे 0 एक लगा के इसका पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप किसी डिजिट के 0 लगा भी लेते हैं तो उसका
पूरी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। राइट हैंड साइड पे अगर जीरो लगाए जाए तो वो उसके वैल्यू को और उसकी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हमने तीन तीन के पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। इस थ्री के पेयर को हमने लेना है, इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इसमें सेम टू सेम वही मेथड है जो आप बाइनरी वाला अडॉप्ट कर चुके थे। इसमें टू की पावर पहले जीरो लेंगे, फिर टू की पावर वन लेंगे, फिर टू लेंगे। इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में इनको एड अप कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 100 का आंसर फर्ज करिए आपके पास 4 आ गया था। तो अब ये वाला जो 3 का पेयर था 100 इसकी बजाय रिप्लेस करके 4 लिख देंगे। फिर अब इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम अगेन इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इनको अरेंज करके लिख लेंगे। सेकेंड वाले को जब हमने सॉल्व किया, फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास 4 आया था, सेकेंड वाले को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर 3 आया। अब थर्ड वन जो है इसका आंसर अभी चेक कर देते हैं। मोस्ट लेफ्ट का आंसर आपके पास 2 आ गया, तो आपने इसको इस तरह से फाइनल आंसर को 2, 3, 4 एंड इसको 8 इसकी जो बेस है ऑक्टल की उसके साथ लिख के इसको प्रेजेंट कर देना है। ये इसका शॉर्टकट मेथड था। अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाते हैं तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप पहले बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में जाएंगे। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट अडॉप्ट कर दिया है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कोई और मेथड अडॉप्ट किया हो तो कन्वर्जन का, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं पॉसिबल जो हैं, जो भी आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो कर लें अपने लिहाज से। अब इसके बाद हम बात करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये होता ही बाइनरी नंबर के लिए। बाइनरी नंबर में आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, एक है 0 और 1। 0 को आप ऑफ स्टेट या हाई, 0 को आप ऑफ या लो स्टेट कहते हैं, जबकि 1 को आप हाई या ऑन स्टेट भी कहते हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हमने इसको फाइंड करना होता है, फर्ज करेंगे हमारे पास गिवन बाइनरी नंबर है, इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम सिंपली इसको 1111 ऊपर इनके लिखे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक जो है वो ये है कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। लाइक यहाँ पर 0 है तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर 1 लिख दें, इसका 1 है तो यहाँ पर 0 लिख दें। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यूँ समझ लें जैसे हमने अगर नॉट गेट लगाया हो तो उसकी जो वैल्यू होती है हाई को नॉट गेट लो कर देता है और लो को हाई कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से ये वंस कॉम्प्लीमेंट में सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता है। इसमें जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसका बिल्कुल आप रिवर्स ऑर्डर लिख दें तो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो इसको भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर के लिए होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना होता है, सेकेंड स्टेप में आपने इसमें सिंपल 1 ऐड करना होता है। जब आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी को समराइज करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और सेकंड स्टेप में आपने ये सिंपली ऐड 1 कर देना तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, या इसको टूज कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं।